राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। सांसद मीणा ने कहा कि दो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात और हिमाचल में, जिनके परिणाम 8 दिसंबर को आ जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम ही बता देंगे कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही। सांसद मीणा ने कहा, कांग्रेस की सरकार में देश में भ्रष्टाचार और गरीबी लगातार बढ़ी है, जिसके चलते एक एक करके सभी राज्यों से इनकी सरकार चली गई है। अब दो राज्यों के चुनाव परिणाम ही इनकी यात्रा की सफलता के बारे में बता देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही लंबे काल तक देश में राज किया और पिछले 8-10 साल से आपने देखा होगा पूरे देश में किस तरह से एक एक राज्य उनसे हाथ से निकलते चले गए और पार्लियामेंट में भी उनकी जो सदस्यता है, सदस्य हैं, वो आज एक विपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी नहीं है, विपक्ष का नेता भी नहीं है, तो उनकी हालत पूरे देश में ख़राब हो रही है। उन्होंने इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बढ़ावा किया, किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया और लोगों को नौकरी, गरीबी हटाने का जो नारा इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी जब दिया था, लेकिन इस देश में गरीबी नहीं हटी, गरीबी और ज़्यादा बढ़ी। तो अब वो भारत जोड़ो के माध्यम से अपना प्रयास कर रहे हैं। अब उनको कहाँ तक कितनी सफलता मिलती है, अभी दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में और गुजरात में, उनके परिणाम 8 दिसंबर को आने वाले हैं। उस परिणाम से पता लग जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा कहाँ तक सफल हुई है।